बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। क्या बात है यार, मतलब जरा रंगत देखो भाई मटर पनीर की, बड़े बड़े रेस्टोरेंट ढाबों में भी आपको ऐसा मटर पनीर नहीं मिलेगा, और बेचारे जैसे कि बता रहे हैं कि नहीं बेच पाते हैं। पे और आज मैं हूँ मालवीय नगर में, और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं हनुमान मंदिर है, और यहाँ पे है जी कॉर्नर मार्केट, और हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने है जी ये बाबा का ढाबा, और यहाँ पे है जी दो बुजुर्ग जो कि काम कर रहे हैं। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? पांडा प्रसाद। और आंटी आपका? कितनी उम्र है आपकी? 80 साल। 80 साल की है आप? तो अंकल कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये काम कर रहे हैं 88 से ये काम कर रहे हैं आप। अच्छा, तो चिंता मत करो अंकल, अब मैं आपकी जो ये वीडियो है ना, हम कोशिश करेंगे कि इतनी ज्यादा वायरल करें। अंकल रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है, भेज दिया उसने मेरे को आपके लिए, बिल्कुल मत रोइए। दोस्तों किस्मत एक ऐसी चीज होती है जब पलटती है तो आपको फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक पहुंचा सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के मालवीय नगर में एक घटना ऐसी सामने आई है। आपकी किस्मत कभी भी बदल सकती है, चाहे आपके खेत से खजाना निकल आए, चाहे आपकी लॉटरी लग जाए, या आप सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो जाएं। ऐसी एक घटना जो दिल्ली के मालवीय नगर से आई है, एक बुजुर्ग दंपति सन 1990 से ढाबा चला रहे हैं, जिनकी हालत देखकर आपको पता चल सकता है वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं, जो कि अपना पेट चलाने के लिए दूसरों का पेट भर रहे थे। उनके ढाबे में ना के बराबर लोग आते थे। उसकी पत्नी ने बताया कि कई दिन तो हमें यहाँ का खाना अपने घर ले जाना पड़ता था, उसे फेंक देना पड़ता था। तभी किसी दिन एक व्यक्ति ने इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल दिया, और आज आप देख सकते हैं वो वीडियो वायरल होने के बाद इनके दुकान में कितनी भीड़ लगी है, लोगों का तांता लगा हुआ है। तो दोस्तों इसी को कहते हैं चमत्कार। सोशल मीडिया हालांकि बदनामी की वजह से जाना जाता है, लेकिन अगर सोशल मीडिया में कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो देखकर और सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि सिर्फ एक वीडियो वायरल होने से किसी की जिंदगी बच गई, किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो ऐसे ही रोचक खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे ताज़ा न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।